नमस्कार। प्रायिकता और यादृच्छिक प्रक्रियाओं के इस पाठ्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत। मैं रोहित सिन्हा आप सबके सामने इस विषय पर कुछ गणनात्मक प्रश्नों का पर चर्चा कर रहा हूँ। आज की चर्चा में हम यादृच्छिक चर विषय पर कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सो हम उन प्रश्नों को लेने से पहले एक हम पुनरावलोकन करते हैं कि यादृच्छिक चर क्या होते हैं। तो जैसा आपको ज्ञात होगा, परिभाषा के अनुसार यादृच्छिक चर एक वह वास्तविक मूल का फलन है जो कि संभावित प्रयोगों के सभी परिणामों को पर परिभाषित होता है। इसी तरह संभवता वितरण फल, या आंग्ल भाषा में इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, यह वह एक सांख्यिकी फलन है जो किसी यादृच्छिक चर की किसी दी गई सीमा में लिए हुए सभी संभव मानों और उनकी संभावताओं को दर्शाता है। असत यादृच्छिक चर ऐसा यादृच्छिक चर जो सीमित या निश्चित रूप से अनंत संभावित मानों को लेता है, ऐसे चर को हम असत यादृच्छिक चर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई असत यादृच्छिक चर दिया हुआ है तो उसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन, क्योंकि असत यादृच्छिक चर कुछ विशेष मानों को ही ले पाएगा, इसीलिए हम इसे असत चर बोल रहे हैं, तो उसके हर एक मान को लेने की जो प्रायिकता होगी उस फलन को हम प्रायिकता द्रव्यमान फलन कहते हैं, उस असत यादृच्छिक चर से संयुक्त। अगर हमें कोई यादृच्छिक चर दिया है जो कि मानिए एक्स है, तो उसका औसत मान या अपेक्षित मान क्या होता है, यह मान निकाला जा सकता है उस चर द्वारा लिए गए सारे मानों और उन मानों की क्या प्रायिकताएं है के भारित योग से। तो जैसा आप देख सकते हैं कि किसी भी यादृच्छिक चर एक्स की औसत या अपेक्षित मान, जिसे हम ई फलन से इंगित कर रहे हैं, व्यक्त है एक भारित फर्क जो उसकी मानों की प्रायिकताओं के भरण से के योग के बराबर है। इसी तरह ऐसे किसी यादृच्छिक चर का विचरण या आंग्ल भाषा में वेरिएंस को हम परिभाषित इस प्रकार करते हैं, जो कार्यात्मक रूप से कि वह यादृच्छिक चर अपने औसत या अपेक्षित मान से कितना विचलन करता है, उन सारे विचलनों का वर्ग की अपेक्षा या औसत जो होता है वो हम विचरण कहते हैं उस यादृच्छिक चर का। परिभाषाओं और जो यादृच्छिक चर के बारे में हमने जो पुनरावलोकन किया है, इसके साथ हम आगे बढ़ें और लें कुछ गणनात्मक प्रश्न।